और आज मैं रोज़ प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। देसी रोज़ अपना, और बहुत ही प्यारी खुशबू आती है जिसमें से। और आप देखिए मेरा फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और देखिए इसमें कलियाँ भी आ रही है बहुत सारी। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर पाने के लिए आप जो इसके सूखे हुए जो फ्लावर होते हैं, जो स्पन फ्लावर होते हैं, तो आप इसको कट करके तो नए नए ब्रांच आएंगे, नए नए कलियाँ आएंगे, न्यू ब्रांच पे न्यू कलियाँ आती है फ्रेंड्स। तो आप इसको जो सूखे फ्लावर होते हैं उसको कट करते रहे तो अच्छे अच्छे फ्लावर देंगे आपको। और देखिए कितना खूबसूरत है इसका फ्लावर, और बहुत ही प्यारी खुशबू आती है इसमें से। और चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। तो आप मिट्टी जब इसको लगाए तो आप अपनी गार्डन के सॉइल ले लें 50% और 50% उसमें आप गोबर की खाद मिक्स कर दें, फिर लगा दें तो उसमें अच्छा ग्रो करेगा ये। और इसको फ्रेंड्स आप केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि ये देसी रोज़ है तो ये इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप इसको गोबर की खाद दे सकते हो और वर्मी कंपोस्ट। मैं इसको 15 डेज़ में एक बार इसको इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके फिर उसमें मैं वर्मी कंपोस्ट दे देती हूँ। तो आप इसको 15 डेज़ में एक बार आप इसको अच्छे से गुड़ाई करके फिर इसमें आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप इसमें दे दें। और फ्रेंड्स मैंने इसमें अभी तक कोई कीड़े या कोई कीड़े मकोड़ों का कोई मैंने नहीं देखा इसमें। मेरे पास ये प्लांट काफ़ी टाइम से है, और देखिए इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खुशबू आ रही है इसमें से। और बात करें इसकी वाटरिंग की, तो आप इसमें जैसे आप देखें कि इसकी सॉइल ऊपर की सॉइल ड्राई हो तो आप इसको इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दें, पानी दे दें, इसको पानी का ध्यान रखें इसके। और बात करते हैं इसकी सनलाइट की, तो आप सनलाइट इसको विंटर में फुल सनलाइट में इसको रखें आप, और जब समर आए तो समर में आप इसको मई जून के गर्मी में आप इसको फुल सनलाइट में ना रखें तो इसके पत्ते जल जाएंगे। और मेरे प्लांट, और आप प्रूनिंग भी कर दें जब इसकी फ्लावरिंग का टाइम सीज़न जब ख़त्म हो जाए तो आप इसके अच्छे से प्रूनिंग कर दें, ताकि न्यू ब्रांच निकाले और अपना और बिल्कुल प्लांट बुशी लगे और अच्छा लगे। तो आप प्रूनिंग भी करते रहिए, और जैसे इसके जो फ्लावर सूख जाते हैं उसको भी आप कट करते रहिए, तो बहुत ही अच्छा चलेगा आपका प्लांट। और पानी का और फर्टिलाइज़र का सारी चीज़ों का ध्यान आप रखें तो बहुत ही अच्छा ग्रो करता रहेगा प्लांट आपका। और देखिए फ्लावर, सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।